हेलो दोस्तों, आज मैंने देखो नाश्ते में कैसी पूरियाँ बनाई हैं और किस चीज़ की बनाई हैं। आप लोग के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ इसकी रेसिपी। देखने में आप बच्चों के टिफिन के लिए भी बना सकते हो, कहीं सफ़र में जा रहे हो तो भी बना सकते हो। आपको इसको बना के इतना अच्छा टेस्ट आएगा कि आप एक बार ज़रूर बना के देखना, और अगर अच्छी नहीं लगे तो ये मेरी गारंटी है आपसे। प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई करके देखो। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। चलो बताते हैं कैसे बनाना है। और नीतू किचन में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैंने एक आलू लिया है, पराठली एक बॉयल आलू लिया है जो मेरे पास रखा हुआ था। उसको मैंने अच्छे से छील के अब मैं इसको ग्रेट कर लूँगी। इससे ग्रेट करके आपको अच्छे से ग्रेट करना है। आपके पास बनाने जितना बनाना है उसके हिसाब से ही आलू लेना है। उसी हिसाब से आलू लेके और ग्रेट कर लिया है अच्छे से। आप कच्चा आलू भी ग्रेट करके ले सकते हो, पर उतना टेस्ट नहीं आएगा जितना उबले बॉयल आलू से आएगा। और आलू को अच्छे से ग्रेट कर लीजिए। इसकी जगह आप थोड़ा सा पनीर डाल दीजिए तो और अच्छा लगेगा और अच्छा फ्लेवर आएगा। उबल चुका है, वो ग्रेट हो चुका है। अब इसमें मैं मसाले डालूंगी। ये 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डाली है, आप अपने स्वाद के अनुसार। ये अमचूर पाउडर डाला है 1 चम्मच, और ये है अजवाइन आधी चम्मच, पूरे 5। ये है कसूरी मेथी आधी चम्मच के हिसाब से ये, और नमक स्वाद अनुसार जितना आप खाते हो उसी हिसाब से, और धनिया पत्ती। इस ये तो बहुत ज़रूरी है। अब इनको सबको मिक्स करना है। ये 1 कटोरी सूजी ली है मैंने, और 1 कटोरी में आटा लिया है। आप मैदा यूज कर सकते हो, पर आटा करोगे तो बहुत अच्छा होगा। इसमें 1 चम्मच ऑयल डाला है, और इसको अच्छे से हाथ से मैश कर लेंगे हम। मैश करने के बाद बिल्कुल अच्छे से ऐसे हाथ में लेंगे ना, मुएं ज़्यादा नहीं डालना है। अब थोड़ा सा घी हाथ में लेके और इसके ऊपर हम लगा देंगे, ऐसे लगा के अच्छे से, और मसल देंगे इसमें। थोड़ा सा क्या है, घी अंदर चला जाएगा तो आपकी पूरियाँ बहुत सॉफ्ट बनेंगी और टेस्ट भी अलग है। आप जानते होंगे कि घी का टेस्ट सबसे बेस्ट होता है, तो उससे टेस्ट भी अलग आएगा। और ये मैं अच्छे से दोनों हाथों से गूंथ रही हूँ, मसल के रख दूंगी इसको। अब ये आज इसको बना के और 10 मिनट के लिए मैं एक तरफ इसको रख दूंगी। अब चलती हूँ मैं गैस की तरफ। अब 10 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसके गोले बना लूंगी। ऐसे छोटे छोटे पूरी में बनाते हैं वैसे। ये गोले बना के रख लिए मैंने सब, थोड़ा सा आटा बचा के रख लिया है पहले, और हल्का सा तेल लगा के इनको सबको बेलना है। अच्छे से बेल बेल के आप रख लीजिए, छोटी बड़ी अपने हिसाब से रखिए। देखो कैसे जैसे आपको साइज पसंद हो उस हिसाब से ये मैंने सब बेल के रख लिया है। आराम से थोड़ा सा तेल लगा लीजिए उससे, इससे क्या है वो चिपकेगी नहीं आपके उस पे पट्टे पे रोटी बेलते समय। और जो मैंने बेल के सारी पूरियाँ बेल के एक तरफ रख ली है, आप देख सकते हो मैंने सारी एक परात में बेल के और सब एक साथ रख लिए। अब चलते हैं गैस की तरफ। दूसरी तरफ मैंने गैस में तेल गरम करने रख दिया था, तेल गरम हो चुका है, और ये मैं आपके सामने सेक रही हूँ। और थोड़ा थोड़ा दबा के और धीमी आंच पे सेकिए, बहुत तेज आंच पे सेकोगे तो अच्छे से अंदर से कच्ची रह जाएगी, इसलिए धीमी आंच पे सेकिए, और थोड़ी कुरकुरी हो जाएगी या खस्ता बोल लीजिए आप जो बोलना चाहते हो वैसे। देखो दोस्तों, मैंने करारी पूरी सेक ली, एक एक से सेक रही हूँ। इससे क्या है, ऑयल भी कम लगेगा, और आप एक दूसरे के ऊपर डालोगे ज़्यादा तो वो अच्छे से फूल नहीं पाएंगे। इसी हिसाब से आराम आराम से सेक लीजिए। आपको ऐसे बच्चों के टिफिन में कहीं पे भी सफ़र में बना के रख सकते हो, और आप नाश्ते में खाइए। सबसे हेल्दी है आटा है, तो हेल्दी तो वैसे भी है,
और घर की चीज़ों से भी बनाए। तो ये नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा सामान चाहिए आपको, जो आप रेगुलर इस्तेमाल करते हो उसी सामान से बनाए। इसीलिए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना प्लीज़। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए प्लीज़। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।